नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर की बरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिहौरा ग्राम के नजदीक बने एक खेत में तड़के सुबह एक लहूलुहान शव मिलने से गांव में दहशत फैल गई। सुबह जब गांव के लोग आसपास से गुजरे तो उन्होंने खेत में खून से लथपथ शव देखा, जिसकी जानकारी तत्काल ही निकटवर्ती थाने में दी गई। सूचना पर पहुंची बरेला पुलिस ने शव का पंचनामा कर मर्ग कायम करते हुए जांच शुरू कर दी है। तो वहीं मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी प्रदीप कुमार शिंदे और एफएसएल की टीम घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रही है। तो वहीं पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 30 वर्षीय परम पटेल के रूप में की गई है, जो कि ग्राम सिहोरा लहंगी का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक अक्सर मवेशी चराने गांव से बाहर जाया करता था। तड़के सुबह भी वह मवेशी चराने गया था, जिसके बाद उसका शव खेत में मिला। प्रथम दृष्टता मृतक के शरीर में कई गंभीर घाव हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि मृतक की हत्या धारदार हथियार से कई बार करके की गई होगी। बहरहाल पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तृत जाँच कर रही है। जबलपुर से अकलीम अंसारी की रिपोर्ट। जी सर, चालू कर दो। जी सर, ये थाना बरेला के सिहोरा गांव की घटना है और इसमें आज सुबह जानकारी मिली थाने से कि किसी व्यक्ति की लाश जो है गांव के बाहर जो सुबह घर से जानवर चराने के लिए निकला हुआ था और उसके बाद कुछ समय बाद जब गांव के लोग आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे इसकी रेलगाड़ी पड़ी है, तो उन्होंने सूचना दिया है। यहाँ पे बॉडी का जो हमने निरीक्षण किया है उसमें हमको इसके पेट पे काफ़ी चोटें दिखी हैं और ये संभवतः धारदार हथियार से ही आई है। इसमें हम प्रॉपर कार्रवाई कर रहे हैं और मामला पूरा इन्वेस्टिगेशन में है। इन्वेस्टिगेशन में हम जो भी और एविडेंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेंगे। प्रथम दृष्टि मामला हत्या का लग रहा है, पर हत्या के कारण हम शीघ्र ही आरोपी को पकड़ेंगे और इस मामले का पता शीघ्र कर पाएंगे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।